महागठबंधन की सरकार है, गुंडों की बहार है। सावधान, राजधानी में घूम रहा है डीएम का हत्यारा। सरकार बदलते ही पावर में बाहुबली आनंद मोहन। सैया बन गए कोतवाल तो डर काहे का। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम आनंद मोहन है। इस तस्वीर को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये उम्र कैद पाया हुआ सजा याफ्ता मुजरिम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे उम्र कैद की सजा मिली है तो इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन ये बाहर क्या कर रहा है? वैसे भी जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का। बिहार में सरकार बदलते ही बाहुबली आनंद मोहन पावर में दिखने लगे हैं। सहरसा से वे पुलिस के पहरे में पटना कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, लेकिन पेशी के बाद वापस सहरसा जेल जाने से पहले वो पाटलिपुत्रा वाले अपने घर पहुंच गए, जहां वो अपने परिवार से मिले और समर्थकों के साथ बैठक की। हद तो तब हो गई जब जाने के दौरान खगड़िया के सर्किट हाउस में रुक गए। वहीं राजद के नेताओं से लंबी बातचीत की, रात में ठहरे भी। हालांकि इस मुलाकात की सारी पोल पट्टी खुल गई। जो उन्होंने नेताओं के साथ सेल्फी ली थी वो वायरल होने लगी। इसके बाद तो बवाल मच गया, पुलिस की सांस फूलने लगी। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो सर्किट हाउस में बीते 12 अगस्त को उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद के नाम पर कमरा नंबर 2, 3 और 5 की बुकिंग कराई गई थी। इस दौरान उनका बेटा चेतन आनंद मौके पर मौजूद भी नहीं था। इसके बावजूद भी सर्किट हाउस बुक किया गया। उधर खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के खगड़िया सर्किट हाउस में रुकने के मामले को ईडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने की बात कही है, तो पटना से लेकर पूर्णिया तक पुलिस महकमा अब एक्शन में दिखने लगा है। शमशेर सिंह, खगड़िया।